अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे नोकिया 8 के बारे में। आज है 17 अगस्त, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं जा रहा हूं एयरपोर्ट की तरफ क्योंकि आज एक लॉन्च होने वाला है हैदराबाद में जिसके लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूं और वो एक स्मार्टफोन लॉन्च नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लॉन्च एंड इट इज हैपनिंग फ्रॉम दिस कंपनी कॉल्ड स्मार्ट्रॉन जिसके अंदर सचिन ने भी इन्वेस्ट किया है और पिछली बार हमने मुंबई में इंटरव्यू किया था सचिन का, अगर आपको याद हो तो। चलिए आज बात करते हैं मुद्दे की इस वीडियो के अंदर जिस बारे में ये वीडियो है और वो है नोकिया 8। नोकिया 8 फाइनली जो है लॉन्च हो गया है और लंदन में इस फोन का लॉन्च हुआ है। इंडिया में अक्टूबर का फर्स्ट वीक के अंदर मेरे ख्याल से नोकिया 8 आएगा। प्राइस रहेगी तकरीबन 40,000 से 45,000। स्नैपड्रैगन 835 मिल रहा है आपको इस फोन के अंदर, 6GB की रैम मिल रही है, हाई एंड स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको इस फोन के अंदर डुअल कैमरा मिल रहे हैं पीछे की तरफ कार्ल ज़ाइस ऑप्टिक्स के साथ। और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि इस फोन के अंदर एक नया फीचर भी है, वो है कि आप दोनों ही कैमरा रियर और फ्रंट का दोनों यूज कर सकते हैं। ये कोई नया फीचर नहीं है, ये पहले हम देख चुके हैं। लेकिन बात करते हैं नोकिया 8 की स्पेसिफिकेशन, प्राइस और कंपटीशन के बारे में। तो नोकिया 8 बेसिकली कम्पीट करेगा सैमसंग नोट 8 के साथ और साथ साथ आईफोन 8 के साथ। ये सारे फोन ऑलमोस्ट आसपास ही मिलने शुरू हो जाएंगे इंडिया में अक्टूबर के आसपास। अब अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो नोकिया 8 की प्राइसिंग इंडिया में रहेगी तकरीबन 40,000 से 45,000 जबकि आईफोन 8 की प्राइसिंग मेरे ख्याल से कम 70,000 से शुरू होगी और ऐसे में एक बड़ा प्राइस डिफरेंस यहां पे आ जाएगा। और अगर हम बात करें सैमसंग नोट 8 की तो मुझे नहीं लगता कि वो 60,000 से नीचे होगा प्राइस में क्योंकि कहीं ना कहीं फिर सैमसंग S8 के साथ वो कोलाइड करेगा प्राइस में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे अक्टूबर के अंदर दिवाली के आसपास जब आप लेने जाएंगे एक फ्लैगशिप फोन और आपके जेब में होंगे खूब सारे पैसे और आपको लगता है भी दिवाली पे तो नया फोन लेना बनता है। तो ऐसे में नोकिया 8 रहेगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा सैमसंग S8, उसके बाद प्राइस में और ऊपर जाएंगे तो सैमसंग नोट 8 मिल जाएगा उसके बाद आपको, और उसके बाद मिलेगा आईफोन 8। तो आईफोन 8 सबसे ऊपर रहने वाला है, उसके बाद सैमसंग नोट 8 रहेगा, फिर सैमसंग S8 रहेगा और फिर नोकिया 8 जो है रहेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत से लोग नोकिया 8 को भी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं नोकिया के अंदर जो ट्रस्ट है अभी लोगों का और अभी तक जो हमारा भी ट्रस्ट है, मेरा भी ट्रस्ट है, उसकी वजह से लोग नोकिया 8 जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लैगशिप फोन की तरह ये मार्केट में आएगा। अब हम बात करें और चीजों की कि क्या क्या इतनी अच्छी बातें नहीं है इस फोन के अंदर, वो ये है कि इस फोन के अंदर 3000mAh की बैटरी है। अगेन बड़ी बैटरी नहीं है लेकिन नॉर्मली फ्लैगशिप में ऐसा ही होता है, बहुत बड़ी बैटरी आपको नहीं मिलती है। ये फोन वाटर रेजिस्टेंट नहीं है यानी कि आप इसे पानी में नहीं डुबा सकते। IP68 या 67 सर्टिफिकेशन के साथ ये नहीं आता है। हालांकि ये स्प्लैश प्रूफ है, इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है जो कि अच्छी बात है, टूटेगा नहीं लेकिन स्क्रैच उस पे आ सकते हैं। साथ ही साथ बात करें कि साउंड रिकॉर्डिंग कैसी होगी तो इसमें एडिशनल माइक दिए गए हैं जिससे आपको बेहतर साउंड रिकॉर्डिंग जो है देखने को मिलेगी। डिजाइन वाइज देखें तो काफी फ्लैशी डिजाइन के साथ काफी सुंदर जो है ये लग रहा है। इसमें आपको एक कॉपर गोल्ड वेरिएंट भी मिल रहा है जो कि काफी शाइनी है और ओवरऑल देखा जाए तो डुअल कैमरास का मजा भी आपको नोकिया 8 में मिल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें देखते हुए क्या आप 40,000 से 45,000 रुपए नोकिया 8 पे खर्च करेंगे या फिर पैसे बचा के आप OnePlus 5 ले लेंगे क्योंकि उसमें भी डुअल कैमरास मिल रहे हैं, या फिर और पैसे बचा के आप Honor 8 Pro ले लेंगे? जी, मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब आप ही लोग दे सकते हैं लेकिन अगेन ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे बहुत मैटर करता है। डेफिनेटली नोकिया की जो ट्रस्ट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है Honor से और वो बहुत ज़्यादा है OnePlus से भी, और ऐसा मेरा भी मानना है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का मानना भी है। तो देखते हैं क्या होता है नोकिया 8 के साथ और किस प्राइसिंग पे लॉन्च होता है नोकिया 8 इंडिया में। अभी तो मैं इतना कह सकता हूँ कि फोन अच्छा लग रहा है और ओवरऑल जब ये फोन हमारे हाथ में आ जाएगा तो इसकी पूरी कवरेज हम आपको करके बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको तरह वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बाकी आज हम बना रहे हैं व्लॉग, आई एम गोइंग टू हैदराबाद तो आई विल बी रिकॉर्डिंग माई कम्प्लीट डे, तो उस व्लॉग को भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद आएगा वैसे वो। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।